हेलो नमस्कार, मैं सचिन आपके साथ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूँ। प्रश्न दिया हुआ है, यदि x माइनस वन और x प्लस थ्री, एक क्वेश्चन एक और में दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के गुणनखंड हैं, तो क्रमशः ए और बी का मान ज्ञात करना है कितना होगा, ए और बी का मान ज्ञात करना है कितना होगा। चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो तो लिखते हैं, एक्स माइनस वन है ये, ठीक है, और एक और कोष्टक में क्या है, एक्स प्लस थ्री, तो इनका गुणनखंड कितना दिया हुआ है, एक एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री हो गया। और तो इसको और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो अपन को क्या का मान बताना है, ए और बी का। यहाँ तुलना कर देते तो यहाँ बी का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए बराबर दो, बी का मान कितना है, बी का मान है माइनस थ्री, ए का मान कितना है दो और बी का मान कितना है माइनस थ्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।